एक रिकॉर्ड टूट गया भाई, बल्कि दो रिकॉर्ड बन गए। एक तो खैर मौसूफ जो है स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने एक ओवर में 35 रन खा लिए, धुलाई हुई है, 35 रन बने एक ओवर में जी। बात करें 98 पे पांच आउट थे इंडिया के, 98 पे पांच आउट के बावजूद 416 रन कैसे कट? यही तो इसीलिए तो इंडिया फेवरेट है मेरी, क्योंकि उनमें हर बंदा ऐसा है जो मैच जिता सकता है। जैसे पंत को आपने देख लिया, 146 रन की बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है और मुश्किल वक्त में खेली है, तो इंडिया कुछ भी कर सकता। बुमराह ने बना दिया ढुमरा इंग्लैंड को मार मार के, ब्रॉड को 5 विकेट एंडरसन की जरूर है, लेकिन भाईजान तौबा 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 तौबा। मतलब उनके सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जिस तरह उनकी बस उनकी बैटिंग लाइन भी अच्छी है, बॉलिंग लाइन भी अच्छी है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आज इतिहास रच दिया, पूरी दुनिया आज जसप्रीत बुमराह के गुनगा रही है, और पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की फिर बात न करे तो ये कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि एक बॉलर होते हुए जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड को आड़े हाथों लिया और इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी। आए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं और ये वीडियो एंजॉय करते हैं। जय हिंद। एक रिकॉर्ड टूट गया भाई, बल्कि दो रिकॉर्ड बन गए। एक तो खैर मौसूफ जो है स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने एक ओवर में 35 रन खा लिए, धुलाई हुई है, 35 रन बने एक ओवर में जी। ये दुनिया क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का महंगा तरीन ओवर बन गया, और इसमें 29 रन स्कोर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। बना दिया ढुमरा इंग्लैंड को मार मार के, ब्रॉड को 5 विकेट एंडरसन की जरूर है, लेकिन भाईजान तौबा 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 तौबा। इतना मारा इतना मारा। कल पूछ रहे थे सरदार कितने आदमी थे, उन्होंने कहा दो। आज पूछा सरदार कितने आदमी थे, उन्होंने कहा तीन। उन्होंने कहा तीन कैसे? उन्होंने कहा सरदार रात वाला 100 मार गया जो 83 पे था, आज वाला 116 मार गया, और सरदार जो कप्तान बनाया जिसको हम कुछ समझते ही नहीं थे, सरदार उसने तो हमारा भुरकस निकाल दिया, 31 रन से बना गया, सरदार आउट भी नहीं हुआ। सरदार जो हम हमेशा कहते थे 62 और 16, 78 रन बन गए सरदार। अगर आप टेक्निकली देखें, वैसे देखें 23 से 77 और 16 तो 93 रन बने आखिरी तीन विकेटों से, तो सरदार मुगेम्बा खुश हुआ। जडेजा ने 104 रन बनाए, 13 चौके थे, एंडरसन ने बोल्ड किया। इसके अलावा शामी को लीच ने कैच किया, ब्रॉड ने 16, और जसप्रीत बुमराह तौबा तौबा 16 बाले 31 रन, 200 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट, 193.75, 4 चौके 2 छक्के। ब्रॉड कह रहे हैं अम्मा जी मेरी शामत आई, मैनू बचाओ। टेस्ट की बात की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है, और जिसको कह सकते हैं बड़ा जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है इंडिया ने। कैसा मैच चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? पहले तो लग रहा था इंडिया हार जाएगा, लेकिन जैसे ही 98 पे 5 आउट हुए हैं तो यही लग रहा था सबको कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 200 कर लेंगे, 250 कर लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने कमबैक किया है, ऋषभ पंत ने जिस तरह अफरीदी की तरह सेंचुरी मार दी है, और साथ में जडेजा ने जो 100 किया है, तो उन्होंने तो गेम भी बदल दिया। और जिस तरह वो मैंने देखा था वो रिकॉर्ड जो उसने 36 बनाता बनाता रह गया, 35 कर लिया है बुमराह ने, वो 36 रह गए, एक स्कोर से रह गए, नहीं तो वो उसने वही पुरानी याद ताज़ा कर तो रिकॉर्ड बना दिए। बात ये है कि सर अगर ऋषभ पंत को हम देखें तो मतलब इसने टेस्ट में T20 शुरू कर दिया। नहीं, उस वक्त हालात यही थे, वक्त की ज़रूरत यही थी कि वो तेज़ खेले, नहीं तो उनकी टीम ने हार जाना था टेस्ट। देखा, हमने देखा अगर इंग्लैंड में आप रुक के खेलो तो आप आउट हो, जैसे तेज़ खेलो तो आपका बल्ला चल जाता। हाँ, वहाँ पे तो भाई मिसबा जैसा प्लेयर भी जो है ना चौके मारता है, क्योंकि वहाँ पे है ही चौके ही मारने होते हैं, उसके बगैर वहाँ पे गुजारा नहीं है। ये दुनिया क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का महंगा तरीन ओवर बन गया, और इसमें 29 रन स्कोर किए हैं जसप्रीत बुमराह। कमाल नहीं हो गया? जसप्रीत बुमराह ने कमाल करके रख दिया और उड़ा के रख दिया, और स्टुअर्ट ब्रॉड को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। जो एक रिफ्रेशिंग क्रिकेट हो रही है, एक एक्साइटिंग क्रिकेट हो रही है दोनों टीमों की जानिब से, और पहले इंग्लैंड ने भी आपको पता है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो क्रिकेट खेली कमाल, अब इंडिया वो क्रिकेट इंग्लैंड में जाके खेल रहा है। भाइयों, हमें भी ऐसी क्रिकेट खेलने की जरूरत है, हम तो अपने घर में ऐसी क्रिकेट नहीं खेलते। अभी दो टेस्ट मैच आने वाले हैं, पता चल बुमराह का है ना, बुमराह येट अगेन अ वेरी डोरसेल क्रिकेटर, फास्ट बॉलर ऑफ द फील्ड, इन
इंतहाई दर्जे का शरीफ आदमी, अ ग्रेट टीम मैन, जो मैंने इसकी टीम से सारा सुना है बुमराह के बारे में, जो पर्सनली मैं जानता नहीं, लेकिन अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है जो ही बॉल पकड़ता है, ये एकदम चेंज होता है, ये एग्रेसिव हो जाता है, ये डाडा हो जाता है, बदमाशी बदमोशी कर लेता है, हैं जी। और दूसरा इसकी इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस इज टैलेंट इन टर्म्स ऑफ टी ट्वेंटी का जी फास्ट बॉलर जी इसको निकाल लें जी, क्या टी ट्वेंटी कर देगा तो ठीक है जी, इससे आगे नहीं जा सकता बुमराह। अच्छा जी इतनी वैरायटी हैं जी वो टी ट्वेंटी में चल जाती हैं, वन डे में कितना 10 ओवर कर लेगा, उसने 10 ओवर डेथ में कर दिए, 5 ने ऐसे कर दिए, 5 डेप ने कर दिए, 2 बीच में कर दिए, बात कर रहा हूँ आप समझा रहा हूँ आपको। ओहो ये तो ठीक है जी, ये टेस्ट में 4 स्पेल का बॉलर नहीं है, उसे टेस्ट में ही आउट कर दिया। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ बुमराह इन एज अ फास्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट में इसलिए बड़ी नजर आती है कि तीनों फॉर्मेट का बॉलर है, कम एज जीरो फॉर्मेट का बॉलर नजर नहीं आता। अच्छा बुमराह ने हैट्रिक की जी अभी वेस्ट इंडीज में, तो कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन, वो उसको मैंने बात की थी तो कुछ ने कमेंट्स में लिखा जो हैट्रिक तो हैट्रिक होती है, नए बॉल की हैट्रिक और पुराने बॉल की हैट्रिक का डिफरेंस बताया जा रहा है। जमीन आसमान का, नया बॉल अपने नया बॉल ऐसे जैसे सांस ले रहे हैं, कंट्रोल ही कुछ बगैर गुजारा नहीं। तो बात करें जडेजा की, आपको सेंचुरी अच्छी लगी या ऋषभ पंत की, या दोनों की अच्छी? जडेजा ने तो सेंसिबल खेला क्योंकि उस वक्त जिस तरह विकेट गिर गई हुई थी तो उसका रुक के खेलना बनता था। ऋषभ पंत ने भैया फ्रीदी वाला रोल अदा किया है कि उसने छक्के मारे हैं, जैसे ब्रॉड को मारे हैं, दिल खुश हो गया। हालात ऐसे हैं मैच के, अगर हम देखें तो आपको क्या लग रहा है कौन फेवरेट लग रही है? इंग्लैंड के भी आते साथ ही आउट हो गए, बुमराह ने आउट भी कर दिए, रन भी कर दिए। देखिए अभी तो मैच का मेरा से दूसरा दिन है तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर जिस तरह ये इंग्लैंड अपनी विकेट हाथ में रखता है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये इंडिया के फेवर में मैच है। देखा है इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड ने कमबैक किया था, 550 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स के अंदर, उसके बाद इंग्लैंड जीत भी गया था। तो आपको लग रहा है कि इंडिया की बॉलिंग न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी डिफेंड कर लेगी? लग तो यही रहा है कि जो है इंडिया ले जाएगा, क्योंकि जो है ना हर दफ़ा ये नहीं होता कि आपने 500 किया तो अगली दफ़ा भी आप जीत जाएं, ये कभी कभी इस तरह की बात होती है, लेकिन अभी तो जो लग रहा है कि इंडिया के हाथ में मैच है। पुराने पीछे और आगे बॉल का बुमराह का बहुत बेहतर है, उसको एक तो इसका रन अप बिल्कुल इतना सा है, सारा फोकस उसका पॉपिंग क्रीज के ऊपर है, उसके बाद उसकी जो आर्म स्पीड है और उसका जो एंगल है अंदर से आने का, उसमें सारा फोकस इतने एरिया के अंदर है, इस एरिया से बाहर निकलता ही नहीं हो। ऊपर से वही बॉलर और भी ऐड करते हैं, रबाडा वर्ल्ड क्लास बॉलर, वी ऑल नो, बड़ी परफॉर्मेंसेस है उनकी, साल डेढ़ साल मजा नहीं आया, साथ में जो चुप करके आउट कर जाते हैं अपनी टीम की वजह से। मैं कहूँगा कि वेस्ट इंडीज की टीम की रिजल्ट्स इतने फेवर में नहीं आते जिस वजह नोटिफाई नहीं होते वो, केमर रोच की मार, रोच बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस वो जा रही है, वो चारों में आपको नजर आता है कि बॉल खिलाने वाले हैं। नाउ यू टेल मी कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, क्योंकि मार्जिन एरर बड़ा कम है। एज अ कैप्टन जब आप बॉलर कहते हैं यार ऑफ स्टंप पे कर, आपको खतरा होता है कि ये बीच में करेगा, जब स्टंप्स बोलूंगा तो ये इसने चौके खाने हैं स्क्वायर लेग पे या मिड विकेट पे, तो वो बड़ा प्रशासनिक। वैसे मैं समझा था, मुझे तकरीबन 150 साल बाद नजर आया कि मार रोच,